नमस्कार, दैनंदिनी समाचार आज का अखबार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख समाचार पत्रों पर एक नजर। थमने का नाम नहीं ले रहा कोरोना, संक्रमण के साथ साथ मृत्यु दर में भी वृद्धि। छत्तीसगढ़ में 645 नए मरीज और देश में एक माह में दोगुना हुआ केस। 17 को पीएम करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात, कोरोना को लेकर होगी बैठक। और छत्तीसगढ़ में 9वीं एवं 11वीं के छात्र भी अब दे सकेंगे ऑनलाइन एग्जाम। सरकारी स्कूलों में ऑफलाइन उपस्थिति की मिली छूट। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वजह के कारनामों में एक और कड़ी। आईपीएल सट्टेबाजी से लिप्त, आईपीएल सट्टेबाजी से जुड़े तार एनआईए के सामने आया। ममता ने दर्ज मुकदमों को छुपाया, इनका नामांकन रद्द करें, शुभेंदु अधिकारी की मांग चुनाव आयोग से। पेट्रोल और डीजल से करती है सरकार तगड़ी कमाई। महंगाई के मुद्दे पर गरमाया सदन, सदन में उठी मांग के जवाब में सरकार ने बताया पेट्रोल से 33 रुपए और डीजल से 32 रुपए प्रति लीटर की कमाई करती है देश की सरकार। बाटला हाउस एनकाउंटर में दोषी को सजा, 11 लाख जुर्माना और सजाए मौत। दुनिया की कोई भी सरकार मेरे बराबर काम नहीं कर सकती, ममता ने कहा। व्हील चेयर पर निकली दीदी, ममता ने कहा जनता का दर्द मेरे दर्द से बड़ा। इधर शाह ने पूछा 130 भाजपाइयों की हत्या पर क्यों बेदर्द है दीदी, और संगठन के नेताओं को आक्रामक होने की नसीहत दी प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी देवी ने। आज इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 मैच, बढ़त बनाने के उद्देश्य उतरेगी भारत। सलामी जोड़ी पर बदलाव संभव, और दक्षिण अफ्रीका पहुंची सेमीफाइनल में। रोड सेफ्टी क्रिकेट में बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। रोनाल्डो ने तोड़ा पेले का रिकॉर्ड, 770 गोल दागने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी। और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट में कराएगा MBA, IPL की भी होगी पढ़ाई। दिन भर की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें dainandini.in। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और शेयर करने का निर्णय तुरंत लें। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, फिर होगी मुलाकात कल के सभी प्रमुख अखबारों की सुर्खियों के साथ।